ये देखिए, जब हम मेडिसिन ले रहे हैं 100%, अभी 100% मेडिसिन पे आपको कुछ पता नहीं है कि मंजर चेंटिंग क्या चीज़ है। आपके यहाँ डॉक्टर अर्चना जैन आई, आपको बताया कि 21 दिन तक ऐसे अनुष्ठान करना है, तो ये कैसे वर्क करेगा? जब आप लोग 100% मेडिसिन पे हो तो आपको क्या करना है, जैसे ही मंत्र चेंटिंग आप करते हो तो पहले 20-25% ही मंत्र काम करेगा। जब 20-25% मंत्र काम करेगा तो आपकी मेडिसिन 75% होगी। कब और कैसे? जब आप अपने मन में सोचोगे कि यदि 3 बार आप मेडिसिन ले रहे हो तो मैं 2 टाइम्स डू और 1 टाइम्स मंत्र चेंट। सुबह 1 बार आपको मंत्र चेंट करना है और 2 बार दवाइयाँ लेना है। कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि दवाइयाँ पूरी फेंक के भी किए हैं, लेकिन नहीं, आप ऐसा कर सकते। यदि 3 टाइम्स ले रहे हैं तो 2 टाइम्स करो, 1 टाइम्स मंत्र चेंटिंग। यदि 2 बार आप दवाइयाँ ले रहे हैं, 2 टाइम्स आपकी दवाई है, तो 1 टाइम्स मंत्र चेंटिंग एंड 1 टाइम्स मेडिसिन। इस प्रकार से आप उसको लीजिए और 100% आपकी मेडिसिन जो थी वो 75% में आ गई। मंत्र चेंटिंग ने आपको शुरू में 4-5 दिन में 20-25% काम किया। नेक्स्ट, जब आप और धीरे धीरे आगे बढ़ के आपके 10 दिन में तो आपका मंत्र चेंटिंग 50% काम कर रहा है और आपकी मेडिसिन भी नीचे आ गई 50% पर। धीरे धीरे 15 डेज होते होते आपके मंत्र चेंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो मंत्र चेंटिंग से आपका मंत्र चेंटिंग 75% काम कर रहा है, मेडिसिन आपकी 25% पर आ गई। धीरे धीरे 21 डेज होते होते आपका मंत्र चेंटिंग 100% काम कर रहा है और मेडिसिन 0। दवाइयों से छुटकारा, हम लोग का मिशन यही है कि दवाइयों से छुटकारा आपको कैसे मिले, क्योंकि दवाइयों का पिटारा लेके सब घूम रहे हैं आजकल। दवाइयों का देखो, जब देखो तब गोली ले लेके सब लोग दिन भर गई दवाई वो दवाई वो दवाई खाते ही रहते हैं। आजकल बॉर्डर पे कम गोलियां चल रही है, घरों में ज्यादा चल रही है। तो हमारा मिशन है कि बस दवाइयों से छुटकारा मिले। तो ये मंत्र चेंटिंग कुछ आज कुछ नया नहीं है, हम लोग आज बता रहे हैं, तो ये बहुत पहले ही की सब अपने शास्त्रों में भी सब दिया है ये सारी चीज़ें। तब लोगों का ज़्यादा रुझान दवाइयों की तरफ होगा, तब इतना अति हो गया कि लोग वापस सब ये इस पर आ रहे हैं, योग ध्यान मेडिटेशन इसका अभी ज़्यादा चल रहा है, पूरा ज़्यादा फैल गया। आपको मेरे फादर का केस आपको बता दूँ, मेरे फादर डायबिटिक पेशेंट थे, इसमें सबसे पहले पिक्चर गई, डायबिटिक पेशेंट थे मेरे फादर, तो उनका इफेक्ट हार्ट पे हुआ, हार्ट अटैक आया करीब 30-35 साल पहले। डॉक्टर ने कहा आपको बाईपास कराना पड़ेगा, तो मेरे फादर बोल रहे थे बोले जितनी आयु लेके मैं यहाँ आया हूँ उतनी तो आयु मुझे मिल रही, ना एक सांस कोई बढ़ा सकता ना एक सांस कोई घटा सकता, तो जितनी अच्छी स्थिति आज मेरी है, मैं यदि ऑपरेशन करावाता हूँ तो ये निश्चित है कि मैं ऐसा नहीं रहूँगा, मैं ऐसा नहीं रहूँगा ऑपरेशन के बाद, मेरे मुझ में वीकनेस आ जाएगी। बोले मैं भक्तामर पढ़ूंगा 3 बार। अब बताइए 30-35 साल पहले तो मैंने, तो आज PhD की 45th पे, उन्हीं से इंस्पायर होकर आज मैंने ये PhD की। 30-35 साल पहले 3 बार भक्तामर पढ़ते थे और 45th नंबर श्लोक 9 टाइम्स सुबह दोपहर शाम, जब इतना मंत्र रिद्धि का चलन नहीं था। आज मंत्र रिद्धि की जरूरत पड़ी क्योंकि आज खान पीन खाना पीना सब चीज़ चेंज हो गई है, सोना उठना बैठना, तो मंत्र ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी ज़रूरत पड़ी। पहले तो सिर्फ श्लोक में ही काम हो जाता था। तो हमारे फादर ने 81 ईयर्स तक अपना जीवन इतना अच्छा व्यतीत किए भक्तांबर पढ़ के, लास्ट तक उनने वापस नहीं करवाया और लास्ट में बिल्कुल समाधि मरण पूर्वक अपनी देह त्याग करी उपास के साथ। संलेखना जब होता है उपास जरूरी है, सुबह से स्नान आदि करके मंदिर पूजा पाठ सब हो गया, 8 बजे जब ब्रेकफास्ट का समय हुआ तो उन्हें मुझे नहीं करना है, दांत का डब्बा लाओ मुझे दांत निकाल के रखना है। उन्होंने लास्ट में अपने दांत भी निकाल के रख दिए, हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आज इनके प्राण जाने वाले हैं। 11 बजे भोजन का समय हुआ, बोले मुझे नहीं करना है, भोजन भी नहीं किया। इतने 56 प्रकार के भोजन, इतने आइटम उनके पसंद के उस दिन बने थे, हमें नहीं पता था कि आज बाबूजी जाने वाले हैं, इतने आइटम बने थे, पूरे दिखा रहे हैं उनको 56 भोज पूरी थाली लेके जा रहा है, तो नहीं मुझे नहीं खाना है। तो हमने मम्मी ने कहा कि आप नहीं खा रहे तो अब एक काम करते हम लोग दोनों खा लेते सास बहू। जैसे ही मम्मी किचन की ओर बढ़ी और भाभी बढ़ी कि हम लोग खाते हैं, तो डैडी ने आवाज़ लगाई कि शशि इधर आओ, मुझे कुछ लग रहा है, वॉशरूम जाना है।
वॉशरूम गए नहीं, पूजा रूम में जाके बैठ गए, ऐसे पूजा रूम घर में जाके सामने बैठ गए, नौ बार नौकार पढ़ने लगे। जैसे पढ़ने लगे तो मम्मी को ज्ञात हो गया कि अब इनका ये अंतिम समय है। मम्मी ने संबोधन किया, संलेखना संतारा दिलाया, संबोधन किया कि अभी 11:40 हुए हैं, 12 बजे सिमंदर भगवान की वाणी खिलती है, आपको सिमंदर भगवान की वाणी सुनना है, स्वर्ग जाना है और मुनि व्रत धारण करके मोक्ष प्राप्ति करना है। मम्मी का ये लास्ट उद्गार, नौ बार नौकार मंत्र और बैठे बैठे देह विसर्जन। क्यों क्यों हुआ ऐसा? भक्तांबर उनका श्रद्धान था, भक्तांबर पे इतना दृढ़ आस्था थी उनको, धर्म पे श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, उसमें आपको शंका नहीं करना है, काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, करेगा और करेगा, मंत्र काम करता है और करता है। ये सोच के साथ हमें पढ़ना है, इस विचार के साथ, श्रद्धा के साथ हमें पढ़ना है। हमारे पास कई एग्जाम्पल है ऐसे, कई लोग हैं जो मंत्र पढ़ के ठीक हो रहे, दवाइयाँ फेंक के ठीक हो रहे हैं। इस प्रकार से आप पे दवाइयाँ कम होंगी और मंत्र आपको इस प्रकार से काम करेगा, मंत्र चैंटिंग आप करोगे तो इस प्रकार से छोटी सी गोली, इतनी छोटी सी मेडिसिन हमारे अंदर परिवर्तन करती है ना, ऐसे ये छोटा सा मंत्र जो एक डेढ़ लाइन का है ये हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन करता है पूरी बॉडी में। जिस प्रकार से उतनी सी मेडिसिन जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँच जाती है, उसी प्रकार ये छोटा सा डेढ़ लाइन के मंत्र ये इतने से बीजाक्षर